ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो यहाँ पर जो इक्वेशन देख रहे हैं इसको हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखिए यह इक्वेशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सिग्मा लेना है, चलिए हम लोग सिग्मा लेते हैं। तो सिग्मा कहाँ से लेंगे, तो इंसर्ट पर जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन पाएंगे, उसके बाद सिग्मा यहाँ पर मिलेगा कहीं पर, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से देखिए सिग्मा मिल गया, ठीक है। हम इसके साइज़ को क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, मतलब 48 पर ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, सिग्मा के बाद क्या लेना है, इक्वल टू लेना है, इक्वल टू लेते हैं, ठीक है, स्पेस देते हैं, इक्वल टू लेते हैं। उसके बाद क्या लेना है, यहाँ से देख लेते हैं, का अथी लेना है, रेडिकल लेना है, ठीक है, स्पेस देके रेडिकल लेना है, तो स्पेस देते हैं और रेडिकल लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं, कहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो स्पेस देते हैं, रेडिकल के लिए कहाँ जाना होगा, इंसर्ट पर जाएंगे और इक्वेशन पर जाएंगे, और रेडिकल के लिए यहाँ से आएगा और इसमें रेडिकल का फॉर्म मिलेगा, जैसे किस टाइप का चाहिए था हमको, नॉर्मल सा चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, देखते हैं, फ्रैक्शन में है 1/n-1, ठीक है। तो फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। फ्रैक्शन किस टाइप में चाहिए था हमको, नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पर आ गया है। इसको यहाँ पर हम लोगों को मिस्टेक हो गया, इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, फिर फ्रैक्शन लेना है, तब यह जो है इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है और क्या लिखना है, यहाँ से देख लेंगे हम लोग, 1/n-1, ठीक है। तो ऊपर हम लिखेंगे 1/y में लेंगे n-1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कर्सर को यहाँ ब्लैंक करवाएंगे, ठीक है। ये ब्लिंक हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या लेना है, सिग्मा लेना है, ठीक है। तो चलिए सिग्मा लेते हैं, सिग्मा कहाँ मिलेगा हमको, देखिए सिग्मा हमको मिलेगा कहाँ, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और सिग्मा को किस फॉर्म में चाहिए हमको, ये वाला फॉर्म चाहिए, तो हम लोग ले लिए। और यहाँ पर क्या लिखाएगा, आई इक्वल टू 1 to n लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा आई इक्वल टू 1, ऊपर ले देंगे n, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए हमको, उसके बाद देखिए यहाँ से ब्रैकेट चाहिए और स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कहाँ से मिलेगा हमको, इस स्क्रिप्ट से मिलेगा, स्क्रिप्ट से स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको यहाँ पर पहले क्लिक करना है और इसके बाद जो है स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है और इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट कहाँ, यहाँ पर है, ब्रैकेट कौन सा चाहिए, नॉर्मल सा चाहिए, तो नॉर्मल सा ब्रैकेट आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों की इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से सिम अभी इक्वेशन पे जाना है, ठीक है। उसके बाद हमको लेना है स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट में ई वाला ले लेंगे और यहीं से पहले हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करके उसके बाद जो है एक्स बार लेना था, तो एक्स बार कहाँ से आएगा, ई आएगा यहाँ से, एसेंट से, ठीक है। एसेंट से यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ खुल जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स बार लिखा है, तो यहाँ पर लिखाएगा, हाँ, तो यह एक्स बार, अभी यहाँ पर क्या लिख देना है, एक्स लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देना है, एक्स लिख देना है, और यहाँ पर क्या लिख देना है, आई लिख देना है। तो देखिए यह जो है क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।